ओकिनावा स्कूटर्स भारत के गुरुग्राम शहर की टू व्हीलर कंपनी है और इस कंपनी ने हाल ही में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम प्रेज रखा गया है और सिर्फ एक बार चार्ज होने के बाद ये स्कूटर पूरे 120 किलोमीटर तक चल सकता है। इस नए स्कूटर में ऐसी ही कई खास बातें हैं जो कि आपको आगे पता चल जाएगी, पर उसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस स्कूटर में कंपनी ने 800 वॉट का इलेक्ट्रिक मोटर दिया है जो कि BLDC तकनीक से लेस है और ये वाटरप्रूफ भी है। कंपनी ने इस स्कूटर को पावर देने के लिए लिथियम आयन बैटरी दी है जिसकी वजह से गाड़ी को अच्छी स्पीड मिलती है। कंपनी की बात माने तो ये गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि इसे शहरी इलाके में चलने के लिए बनाया गया है और ये गाड़ी आसानी से 150 किलोमीटर तक का वजन उठा सकती है, मतलब दो लोग आसानी से इस गाड़ी में सफर कर सकते हैं, जो कि इसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से बेहतर बनाते हैं। साथ ही इसमें डिटैचेबल बैटरी दी गई है जो कि आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इसे चार्ज करने के लिए भी आपको सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगेगा। रही बात सेफ्टी की तो गाड़ी में एंटी थेफ्ट सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के साथ ही कई और सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए इस गाड़ी के दोनों ही पहियों में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। और अगर आप परेशान है कि इसकी कीमत कितनी है तो उसकी भी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस गाड़ी की कीमत सिर्फ 66,988 रुपए से शुरू होगी। लुनसेट ऑरेंज, मैग्ना ग्रे और मिडनाइट ब्लू कलर में आने वाली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप खरीदना चाहेंगे कि नहीं, हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट भी हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।